क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज मार्टिन गप्टन के बाएं पैर में सिर्फ दो ही उंगलियां हैं, और वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के बॉलिंग हैंड की मिडिल फिंगर कटी हुई है। इन दोनों की ये उंगलियां कैसे कटी, चलिए जानते हैं। दुनिया के नंबर वन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट गेंदबाज पैट कमिंस जब 3 साल के थे, तब एक दिन अपनी बहन के साथ खेलते समय उनकी दाएं हाथ की बड़ी उंगली दरवाजे में दब गई थी। डॉक्टर्स को बुरी तरह जख्मी हुई उंगली को मजबूरन काटना पड़ा। जहां कुछ गेंदबाज सब कुछ सही होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, तो वहीं आज कटी हुई उंगली के साथ ही पैट कमिंस ने पूरी दुनिया में बहुत जल्द ही अपना नाम और रुतबा कायम कर लिया है। पैट कमिंस 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिसके आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ वह बढ़िया बल्लेबाज भी हैं, जिसका नमूना हमें टेस्ट और टी20 में बहुत बार देखने को मिला है। आपको बता दें कि पैट कमिंस जिस हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उसी हाथ की बीच वाली उंगली कटी हुई है। पैट कमिंस की इस हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं मार्टिन गप्टिल की। मार्टिन गप्टिल जब 13 साल के थे, तब सामान उठाने वाली लिफ्ट के नीचे उनका बायां पैर आ गया था, जिसके कारण उनकी आखिरी 3 उंगलियां बुरी तरह से चोटिल हो गई थी। डॉक्टर्स ने उंगली बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जान को खतरा देखते हुए मजबूरन इनको काटना पड़ा, जिसके बाद मार्टिन गप्टिल के बाएं पैर में सिर्फ एक अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली ही बची। मार्टिन गप्टिल को बचपन से ही क्रिकेट से बहुत लगाव था। इन 3 उंगलियों के कट जाने के बाद मार्टिन गप्टिल को भागने में बहुत दिक्कत होती थी। मुश्किल हालातों में जूझते हुए देख मार्टिन गप्टिल को मार्टी टू टोज निकनेम के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि हालात से हार ना मानकर मार्टिन गप्टिल जी तोड़ मेहनत करते रहे। आपको बता दें कि जब मार्टिन गप्टिल अस्पताल में थे, तो उनके पिता पीटर न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को वहां ले जाने में कामयाब रहे, जिससे मार्टिन गप्टिल को गंभीर परिस्थितियों से जूझते हुए बेहतरीन क्रिकेटर बनने की प्रेरणा मिली, जिसके चलते मार्टिन गप्टिल वनडे डेब्यू मैच में शतक और वनडे में ही दोहरा शतक जड़ने वाले पहले न्यूजीलैंड क्रिकेटर बने। एक क्रिकेट फैन होने के नाते मेरा तो इन दोनों को सलाम है। मार्टिन गप्टिल और पैट कमिंस के जज्बे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।